नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल गार्डन होम केजीबी। दोस्तों, आप लोग हमेशा हमको रिक्वेस्ट करते हैं गंधराज प्लांट का बारे में, तो मैं कभी भी दिखाया नहीं हूँ प्लांट को। तो आज मैं बहुत दिन के बाद मेरे को टाइम मिला है अच्छा से, तो इसलिए मैं गंधराज प्लांट का दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देख सकते हैं ये प्लांट मेरा लगभग बहुत दिन का प्लांट है मेरा, बहुत दिन यानी कि डेढ़ साल का प्लांट है मेरा। इसका लीव्स आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका लीव्स देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है लीव्स में, देख सकते हैं आप लोग। जितना मेरा नया लीव्स निकला, एक भी लीव्स में आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अब हम आपको बताता हूँ, देखिए ये सब जो लीव्स है, ये सब मेरा पुराना लीव्स है। इसको देख के मुझे ट्रीटमेंट करना नहीं है, मुझे हमेशा ये नया लीव्स देख के ट्रीटमेंट करना है। हम अगर पुराना लीव्स देख के ट्रीटमेंट करेंगे तो प्लांट को कभी हम ठीक से करने नहीं सकेंगे। तो पुराना लीव्स जो है वो ख़राब हो चुका है, तो उसको मैं काट के फेंक देना है, मुझे अलग कर देना है। लेकिन जो नया लीव्स है उसको मुझे ज़िंदा करके मैंने ठीक से रखना है, उसमें दागी आना नहीं चाहिए। एक प्लांट में अगर लीव्स में दागी आना चालू हो जाएगा तो प्लांट को देखने में भी ख़राब दिखता है। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए और वीडियो को भी अंत तक देखिए। उसके बाद आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप हिंदी, इंग्लिश या बंगाली तीनों में आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। सबसे पहले इसका देखिए पानी मेंटेन करना पड़ता है। पानी मतलब इसको, इसका मिट्टी हमेशा मॉइस्चर रहना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं ये प्लास्टिक का बाल्टी में हम लगाया है, टूटा हुआ बाल्टी में मैं लगाया। एक बारी मैंने इसको अगले साल रिपोर्ट किया था, इस साल मैंने जानबूझ के रिपोर्ट नहीं किया हूँ, बरसात का पहले इसको रिपोर्ट कर दूंगा। तो इसका हम एक दो कारण बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ का जो डंगाली है मेरा, यहाँ से हम ये सब डंगाली को कटिंग कर देंगे, क्योंकि मुझे अधिकतर डंगाली नहीं चाहिए। ऊपर तरफ मुझे डंगाली बढ़ाना है, नीचे तरफ नहीं बढ़ाना है, जिस कारण से मैं देखिए ये सबको काट दे रहा हूँ। आप लोग भी ऐसा करके काट दीजिएगा, क्योंकि इसमें धूप आना चाहिए, तो मैंने काट दिया हूँ। इसको हमेशा सफ़ा करके रखना चाहिए, सफ़ा नहीं रखेंगे तो आपका क्या होगा, इसमें कीड़ा मकोड़ा आना चालू हो जाता है। आप देखेंगे ब्लैक कलर का या रेड कलर का चींटी भी आना चालू हो जाता है, तो ये सबको मेंटेन करके रखना पड़ता है। दोस्तों देखिए, अभी हम आपको बताता हूँ, देखिए इसमें मैं ट्रीटमेंट क्या करता हूँ। देखिए, इसमें मेरे को महीना में एक बार खाद दे के रखना पड़ता है। क्या खाद? ऑर्गेनिक खाद, बॉर्न मिल्क, हॉर्न मिल्क को मैंने दे देता हूँ, साथ में थोड़ा बहुत नीम खली को दे देता हूँ, क्योंकि नीम खली को देता हूँ, क्योंकि मेरा पॉट में अगर चींटी आएगा भी तो नहीं आता है नीम खली का वजह से। तो मैं क्या करता हूँ, नीम खली को दे देता हूँ, हॉर्न मिल्क, बॉर्न मिल्क एक चम्मच तीनों चम्मच को दे के अच्छा से पानी डाल देता हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी को डाल देता हूँ। जैसा मान लीजिए ऐसा करके खोल लेता हूँ, खोल के देने के बाद फिर से मिट्टी डाल देता हूँ। तो इसका अंदर मेरा अभी ऑर्गेनिक खाद है, जिस कारण से मेरा ये सब नया नया लीव्स निकलना चालू हो गया। तो अभी इसको बर्ड्स हमको खिलाना है, तो अभी बर्ड्स का तो सीजन आ गया, बर्ड्स यहाँ पर है। लेकिन अभी हम आपको बता रहा हूँ दूसरा चीज़, वो इसमें अधिकतर बर्ड्स कैसा लाएंगे हम लोग। अधिकतर बर्ड्स लाने के लिए आपको केमिकल यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर आप पूरा ऑर्गेनिक के ऊपर चलाएंगे तो आपका उतना बर्ड्स आएगा नहीं। मेरा पास टोटल तीन गंधराज प्लांट है, तो उसमें मैं एक ही को लेके आया हूँ, और दो जो है वो थोड़ा छोटा है। देखिए दोस्तों, आप जैसा भी ट्रीटमेंट करें, आप खाद दे या ना दे, आपका बर्ड्स ज़रूर आएगा प्लांट में, कम आएगा लेकिन आएगा। लेकिन वो बर्ड्स क्या होता है, खिलता नहीं है। वो बर्ड्स को आप देखेंगे बहुत दिन तक ऐसा रहेगा, 15 दिन 20 दिन तक, उसका बाद देखेंगे पीला होकर झड़ जाएगा। तो इसको हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखिए, जैसा इसको हम बता रहा हूँ, ये जो बर्ड्स 15-20 दिन तक रहेगा, रहने के बाद देखेंगे आप थोड़ा से बड़ा होगा, उसका पीला होकर झड़ जाएगा। तो ऐसा हम लोगों को प्रॉब्लम फेस तो हमेशा ही करना पड़ता है, हमको मालूम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक है, आपको बर्ड्स को नहीं गिराने के लिए दो चीज़ देना पड़ेगा। एक है देखिए, ये जो पोटासियम जो रहता है, ये म्यूरेट ऑफ पोटास भी आप यूज़ कर सकते हैं, या आप ऐसा सल्फेट ऑफ पोटास भी यूज़ कर सकते हैं। इसको एक चम्मच यानी कि 2 ग्राम करीब 1 लीटर पानी में घोल के आप इसमें डाल दीजिए। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो 2 ग्राम इसमें पॉट में दे दीजिए, उसके बाद पानी डाल दीजिए। 15 दिन 20 दिन तक और कोई पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइज़र देने का ज़रूरत नहीं है। फिर 15 दिन हो जाने के बाद फिर से आप 2 ग्राम लीजिएगा, फिर से आप पॉट में डाल दीजिएगा। ऐसा करके मेंटेन कीजिए। अगर आप पानी में घोल के देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं, अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मैं कभी स्प्रे करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा पहले शुरू में हमको भी उतना पता नहीं था, तो मैं हमेशा स्प्रे करता था, क्योंकि स्प्रे करने से मेरा फर्टिलाइज़र भी कम लगता था। तो लेकिन मुझे बाद में पता चला कि स्प्रे करने से क्या होता है, इसका लीव्स जो है वो दागी आ जाता है। कभी कभी हम लोग ज़्यादा भी फर्टिलाइज़र दे देते हैं, जिस कारण से दागी आता है। अब इसको ये लीव्स के बारे में हम आपको बताते हैं, ये लीव्स क्यों ऐसा हुआ है। ये तेज़ी धूप का वजह से हुआ है। एक तो प्लास्टिक का पॉट में है,
तो ऊपर से क्या है, इतना तेज़ी धूप है कि उसका वजह से ऐसा हुआ। तो इसको मुझे डरने का नहीं है, जितना मेरा आज का लिप्स है उसको मैं, जितना ख़राब लिप्स है सबको हटा दूंगा, जितना नया लिप्स है उसको मैं रख दूंगा। उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद आपको हम अपडेट दिखाऊंगा। तो आज मैं इसमें फर्टिलाइज़र दूंगा। देखिए ये है म्यूरेट ऑफ पोटास, इसको हमको देना है प्लांट में, हम पहले ही बताया है। इसको दे देने के बाद मुझे इसमें भर के पानी डाल देना है। फिर शाम का टाइम देखेंगे, अगर मिट्टी सूख गया तो फिर से पानी डाल देंगे। साथ में हम आपको बताता हूँ इसमें पीएच बैलेंस क्या है, 5 से 6 का अंदर रहना चाहिए। ये बेसिकली इतना ही रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है डाउन हो जाता है, कभी कभी आप भी हो जाता है। तो तब आप, अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों को आंसर दूंगा। अभी और एक बात बताता हूँ, ये है देखिए एग्रोमिंट गोल्ड, इसको आप लोग यूज़ कीजिएगा। इसमें क्या है, इस माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये 100 ml का है। इसका प्राइस यहाँ पर लिखा है 116 रुपया, ये 176 रुपया, 176 लिखा है, लेकिन ये 150 रुपया मार्केट से लिया है मेरा से, एक साल हो गया मेरा लगभग। तो इसको आप लोग स्प्रे कीजिए महीना में 2 बार, 15 दिन में 1 बार स्प्रे कीजिए, तब जाके आपका बड्स क्या है खिलेगा, आपका बड्स गिरेगा नहीं। और एक बात बताता हूँ, ये है मीराकुलान, इसको महीना में 1 बार आपको स्प्रे करना है, अच्छा से स्प्रे करना है। 2 ml 1 लीटर पानी में अच्छा से घुलेंगे, घोल के आप लोग पूरा प्लांट को स्प्रे कर देंगे। स्प्रे कर देने से क्या होगा, आपका क्या है, जितना बड्स आएगा वो सब बड्स खिलेगा, और अगर बड्स नहीं भी आया तो ज़्यादा से ज़्यादा बड्स आएगा, प्लांट का ग्रोथ भी साथ में होते रहेगा। और एक चीज़ बताता हूँ, इसमें इंसेक्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा होता नहीं है, तो भी आप लोग रोगोर या आपका पास जो भी है, आप लोग 15 दिन में 1 बार आप लोग ज़रूर स्प्रे कीजिए। आपका पास अगर नीम ऑयल है तो आप लोग नीम ऑयल भी 15 दिन में 1 बार स्प्रे कर सकते हैं। डोज इसका क्या है, पीछे लिखा रहता है, वो डोज देख के आप लोग को देना पड़ेगा। और एक चीज़ बताता हूँ, आपका पास कुछ भी नहीं है, मैं जैसा बताता हूँ देखिए, आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो आप लोग बैलेंस एनपीके दे के भी इसको उगा सकते हैं। बैलेंस एनपीके में क्या है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन और पोटेशियम तीनों एक साथ रहता है बैलेंस, तो क्या है इसमें हमको तीनों प्लांट को मिलता रहेगा। तो तीनों मिलेगा तो प्लांट का ग्रोथ भी रहेगा, प्लांट का बड्स भी ठीक रहेगा, मतलब खिलेगा, और बड्स रूट्स भी इसका ठीक रहेगा। तो ऐसा मेंटेन कीजिए दोस्तों, हम 100% बोलता हूँ आपका 1 महीना में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जिस कारण से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, दोपहर का टाइम आप भूल से भी स्प्रे मत कीजिए कुछ भी चीज़, फर्टिलाइजर भी मत दीजिए, कुछ भी मत दीजिए, शाम का होने के बाद ही आप लोग ये सब यूज़ कीजिए। और भोर को करना है तो 6 बजे करीब कीजिए, क्योंकि 7:30 बजे का बाद से आपका धूप आना चालू हो जाता है। दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।